मुनि इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन 09 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको इस गैस गीजर के बारे में सिखाएंगे, रिपेयरिंग के बारे में। आगे सर्दी आ रही है तो इसे आपको हम चेक करके दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए साथियों, ये हमने यहाँ से ऑन कर दिया और ये चालू नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें चेक करेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। ठीक है, तो पहले हम इसके पेचों को रिमूव कर लेते हैं जो इसमें पेच लगे हुए हैं। ये पेच हमने रिमूव कर लिए। इन नोबों को हमें निकाल लेना है, ये टाइट निकलती हैं तो हमें ऐसे पेच कस लगा के इसको निकाल लेना है। तो दोस्तों, अब हम आपको इनके स्पेयर पार्टों के बारे में समझाते हैं कि इसमें कौन से कंपोनेंट का क्या काम है और कौन सा कंपोनेंट का क्या नाम है। तो ये इसकी डिब्बी है जो इसमें यहाँ स्पार्क के लिए लाइटर बोलते हैं इसको, स्पार्क करता है। इसको खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। अगर ये वीडियो देख लोगे आप हमारी तो फिर आपको गैस गीजर में और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको इसमें कंप्लीट रिपेयरिंग सिखाएंगे। तो इसमें और दोस्तों, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इसका थर्मोस्टेट है, सेंसर है जो पानी को सेंस करता है। ये एक रिले की तरह काम करता है। जब पानी इसके अंदर जाता है तो इसके अंदर एक मैग्नेट चुंबक होती है जो इसमें लोहे की दोनों पत्तियों को आपस में छिपा देती है और छिपते ही जो ये है करंट को अपने अंदर से इस वायर में पास कर देता है और हमारी रिले को ऑन कर देता है। और रिले ऑन होते ही ये ऊपर की तरफ हो जाती है और गैस को हमारे अंदर जाने देती है। जब ये ऊपर की तरफ होती है तो इसमें खट की आवाज़ आती है और यहाँ से ये इसके अंदर हॉल के अंदर से ये उठ जाती है। इसमें जो अंदर रिले आपको दिख रही है, और जब ये ऊपर के उठ जाती है तो मतलब रिले इसकी सही है। अगर ये चलते चलते में गिर रही है तो चेक कर लें पानी का प्रेशर कम है या फिर ये रिले ख़राब है। रिले ये गैस कोयल होती है, इसको बहुत से रिले बोलते हैं। ये गैस कोयल है और रिले का काम ये करती है। और जो ये है इसका, ये चूल्हा है, इसके अंदर से यहाँ से आग बाहर की तरफ चलती है। जब ये ख़राब हो जाता है तो ये जो आग है
ये सही नहीं आती और हमारी गैस बहुत ज़्यादा जलती है। ये ख़राब गैस होता है, ये आगे से चौक हो जाता है और ये इसका गैस वाला जब ये ख़राब हो जाता है तो ये इसकी जो आग है वो नीली की जगह लाल हो जाती है। इसके अंदर यहाँ पर वाल होते हैं, ये चौड़ जाते हैं तो इसके अंदर से कच्ची गैस जाने लगती है। और इसके अंदर यहाँ पर ये थर्मोस्टेट है जो कट करता है गर्म पानी होने पर और इसको प्रोटेक्ट रखता है। और ये इसका टैंक है, अगर ये टैंक अंदर से चौक हो जाता है तब भी हमारा गैस गीजर कभी चलता है कभी बंद होता है। तो ये सारे कंपोनेंट और इनका वर्क मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको इसको रिपेयर करके दिखाता हूँ। इसको अगर हमें रिपेयर करना है तो यहाँ से ये नट खोलना है और इसको बाहर निकाल के और इसमें यहाँ से तेजाब डाल देना दोस्तों अंदर से, या फिर आप यहाँ से भी डाल सकते हो, पर यहाँ से डालते टाइम आपको जो ये लॉक दिख रहा है इस लॉक को प्लास से बाहर निकाल कर इससे इसके अंदर से मैग्नेट निकाल लेनी है, और नहीं तो मैग्नेट ख़राब हो जाती है और फिर ये सफाई होने के बाद कई बार काम नहीं करता। बहुत से लोग जैसे घर पे सफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो टैंक का हो गया। और इसका मैं आपको बता दूं, जब ये चौक हो जाए तो इसको यहाँ से पेच रिमूव करके ये पेच और बाहर यहाँ से ये लाइटर खोलने और इसको बाहर निकाल कर उल्टा मार देना है ऐसे करके, तो इसके अंदर से ये साफ़ हो जाएगा। और अगर ये ख़राब हो जाए जिग तो ये दूसरी चेंज करनी है, कॉयल ख़राब हो जाए तो दूसरी चेंज करनी है और ये ख़राब हो जाए तो दूसरी चेंज करनी है। अब ये ऑन नहीं हो रहा है गैस गीजर, ये हमने बटन ऑन की तरफ कर दिया है और ये ऑन नहीं हो रहा है। देखो दोस्तों, इसमें नहीं तो बत्ती जल रही है, नहीं ये ऑन हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर ने बोला था कि ये हमने पिछली बार ऑन छोड़ा था, तो इसमें मैं इसको चेक करता हूँ। तो पहले चेक करनी होगी हमें इसमें वोल्टेज सेलों की, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पिछली बार कस्टमर ने ये ऑन छोड़ा था। तो मैं यहाँ पर इसके सेलों की वोल्टेज चेक करता हूँ। तो इसमें वोल्टेज बहुत कम आ रही है दोस्तों, इन दोनों में 1.5-2-3 वोल्टेज चाहिए और इसमें 0.52-53 के करीब आ रही है। तो ये सेल डाउन है इसके फ़िलहाल। पहले इसमें हम सेल डाल लेते हैं, उसके बाद आपको इस गैस गीजर को हम दिखाते हैं दूसरे। तो ये मेरे पास दूसरे सेल हैं, जब भी आप सेल लें तो नए लें। नए का मतलब इससे नहीं है कि आप दुकान से ले लिए नए, जो मंथ चल रहा है जो सन चल रहा है उसके ही लें, नए लें। ये एवर रेडी कंपनी के हैं जो मैं लेके आया हूँ। ये मैंने इसके सेल निकाल लिए हैं दोस्तों दोनों। अब हम इस डिब्बी में सेल डालते हैं, तो जो हमारी ये सिफरिंग दिख रही है इस तरफ, तो हमें ये हिस्सा रखना है, ये वाला हिस्सा रखना है जिस तरफ ये सिफरिंग दिख रही है, और जिस तरफ ये पत्ती दिख रही है उस तरफ ये हिस्सा रखना है। ठीक है, आपको मैं प्लस माइनस की जगह वैसे समझा रहा हूँ। तो ये लो, ये हमने इधर ये माइनस वाला हिस्सा रख दिया और इधर ये प्लस वाला। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसमें डाल लिए हैं दोनों सेल। सेल डालने के बाद हम इसके बटन को ऑन करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये ऑन हो रहा है, देखो आपके सामने, देखो ये स्पार्क भी कर रहा है और ऑन भी हो रहा है। ऐसे स्पार्क करना चाहिए, और जो ये कट की आवाज़ आ रही है, ये कट की आवाज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कट की आवाज़ आते ही जब आपको ऐसे चेक करना है तो देखना, ये आपको दिख रहा होगा इसका रिले, ये रिले
ऐसे ऊपर उठ जाना चाहिए जैसे अब उठ रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसको बंद करने पर ऐसे डाउन आना चाहिए, देखो ऊपर ही रहता है रिले, रह रहा है ना, तो ऐसे ऊपर ही रिले रहना चाहिए। अगर रिले वापस से गिर जाता है तो समझ लेना कि आपका ये रिले में दिक्कत है। गैस गीजर के बारे में मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। अच्छा तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं इसको ढक्कन को किस लेता हूँ। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो इन्हीं पार्टों की आती है। एक तो जो हमारा ये सेल हो गया, सेल की अगर बैटरी डाउन है, मेरे पास मल्टीमीटर था, अगर आप पास मल्टीमीटर नहीं है तो डायरेक्ट आप ये 40-50 रुपए के सेल आते हैं, इनको डायरेक्ट आप चेंज करके भी चेक कर सकते हो अपने गीजर को। ज़्यादातर तो इस बैटरी का ही प्रॉब्लम आता है, ये सेल ही डाउन होते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम इस गैस कॉल का आता है, इनको आप चेक कर सकते हो। ये 90 रुपए की आती है, ये लाइटर जो है ये 220-240 रुपए का आता है, और यही पार्ट है इसमें, ज़्यादातर यही ख़राब होते हैं, बाकी बहुत कम ख़राब होता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोग भी आपकी तरह सीख सकें। Thank you.